हाय एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज सिंकिंग ऑफ चाइना। यस, चाइना डूब रहा है, चाइना बहुत जगह पे सिंक हो रहा है। ये नई प्रॉब्लम वर्ल्ड में दिखाई दे रही है। जनरली वर्ल्ड में दो प्रॉब्लम्स तो है ही, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। अब ये नई प्रॉब्लम वर्ल्ड ओवर के सिटीज और कंट्रीज में दिखाई दे रही है। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि चाइना की बहुत सारे शहर डूबने वाले हैं या हर साल थोड़ा थोड़ा सिंक हो रहे हैं। ओके, सो चलते हैं सबसे पहले चाइना के मैप पे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप ध्यान से चाइना का मैप देखोगे तो चाइना के ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना की मेन सिटीज लोकेटेड है। सो चाइना की मेन सिटीज के अलावा ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर चाइना की 96% पॉपुलेशन रहती है। यस, 96%, और बाकी इतने बड़े चाइना में ओनली 4%। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना का ये जो पार्ट है, दिस इज तिब्बत, ठीक है, यहाँ पर सारा ग्लेशियर है तो पॉपुलेशन बहुत कम है, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा आप देख रहे हो ये सारा डेजर्ट है, मतलब रहने लायक कंडीशंस नहीं है। इसीलिए चाइना का जो एरिया है वो बड़ा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हर जगह यूजफुल नहीं है, हर जगह रहने लायक कंडीशंस वहां नहीं है। तो रहने लायक कंडीशंस इस ईस्टर्न फ्रंट पे है, और चाइना की जो सबसे बड़ी शहर है, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े शहर है चाइना में, जैसे कि हार्बिन, शिंगजियांग, बीजिंग, टियानजिन, जेंगजाओ, चोंगकिंग, वुहान, ग्वांगजाओ, सारे बड़े शहर जिनमें 10 मिलियन, 5 मिलियन और 1 मिलियन पॉपुलेशन है करीब, वो सारे ईस्टर्न फ्रंट पे। इसका मतलब क्या है? एक ही एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर है, या तो एक ही एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है। ओके, इसके बाद आप चाइना का ये मैप देखो, आपको एहसास होगा कि चाइना में बहुत कम जगह है रहने लायक। सो ये आप देख रहे हो, ये सारा जो एरिया है ये ग्लेशियर का है, और ये सारा एरिया डेजर्ट का है, इसीलिए रहने लायक कंडीशंस नहीं है। तभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि चाइना इतना ज्यादा लैंड के लिए क्यों तत्पर रहता है। हमेशा सारे कंट्रीज से उसकी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। आप इंडिया ले लो, आप नेपाल ले लो, आप फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, आप किसी का भी नेबरिंग कंट्रीज ले लो, चाइना सबके साथ एक टसल में रहता है लैंड को लेके। क्यों? इतना बड़ा लैंड होने के बावजूद भी इनके पास लैंड रहने के लिए बहुत कम है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतने छोटे से एरिया में सर्वाइव कर रही है। अब चलते हैं हमारे रीसेंट पब्लिश रिपोर्ट पे। सो रीसेंट पब्लिश रिपोर्ट क्या बोलती है? रीसेंट पब्लिश रिपोर्ट सैटेलाइट रडार से ली गई इंफॉर्मेशन है। 82 मेजर सिटीज ऑफ चाइना को इसने स्टडी किया, और 2015 से 2022 का इसमें डेटा है। क्या बोलती है ये? कि चाइना में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के वजह से एक ही जगह पे लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और प्रेशर पड़ने की वजह से जो बिल्डिंग्स का वजन है वो लैंड पे इतना प्रेशर डाल रही है तो कि लैंड सिंक हो रही है। ओके, दिस इज वन रीजन। दूसरा रीजन है ग्राउंड वाटर। एक ही जगह पे जब इतने सारे लोग एक साथ सर्वाइव करते हैं तो उनकी वाटर की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, और इस वाटर के कंजम्पशन को पूरा करने के लिए ये लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ग्राउंड वाटर दिन पर दिन डिप्लीट होता जा रहा है। तो जब ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है तो लैंड क्या कर रही है? सबसाइड कर रही है, सिंक कर रही है। ठीक है, चलते हैं फाइंडिंग्स पे। बहुत ही शॉकिंग फाइंडिंग्स है। 16% जो है कंट्री का मेजर सिटीज में आता है वो, और 10 मिलीमीटर से एवरी ईयर लैंड सिंक कर रही है। बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल है, फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है इन चाइना, और उसके बाद है टियानजिन जो बिल्कुल ही बीजिंग के पास लोकेटेड है। ये दो सिटीज के बारे में रिपोर्ट ने स्पेशली बताया है। नियरली हाफ ऑफ चाइनाज अर्बन एरिया कंप्राइजेस 29% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, और 270 मिलियन पीपल सिंकिंग लैंड के ऊपर आज के डेट में रह रहे हैं। तो ये सिंकिंग लैंड से प्रॉब्लम क्या होगी? अचानक से जमीन खिसक जाएगी, अचानक से कोई बिल्डिंग गिर सकती है, फ्लड का ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, है ना। सिर्फ चाइना की ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है वर्ल्ड ओवर में सिंकिंग सिटीज की जो प्रॉब्लम है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर बात करें कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे न्यूयॉर्क,
वहां पे भी लैंड सबसाइड कर रही है। यूरोप की एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है नीदरलैंड, उसका 25% एरिया ऑलरेडी सिंक हो चुका है। इसके अलावा मेक्सिको सिटी को फास्टेस्ट सबसाइडिंग सिटी इन द वर्ल्ड बोलते हैं। और अगर आपको इंडिया का इशू याद है तो कुछ दिन पहले हमने जोशीमठ के बारे में बात किया था, जो कि उत्तराखंड में जोशीमठ में अचानक से बहुत सारे घरों में क्रैक्स आ गए थे, घर गिर गए थे, रास्तों पे क्रैक्स दिख रहे थे। वो क्यों? क्योंकि जोशीमठ भी सिंक हो रहा है। और इसके अलावा अगर एक और शहर की बात करें, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, तेजी से सिंक हो रही है, इसीलिए इंडोनेशिया दूसरे कैपिटल को भी ढूंढ रहा है, दूसरे कैपिटल बनाने की बात कर रहा है। सो सिंकिंग सिटीज सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड ओवर की प्रॉब्लम है। लेकिन चाइना के बारे में स्पेशल बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की ऑलमोस्ट सारी बिग सिटीज सिंक हो रही है। क्यों? क्योंकि वो आसपास लोकेटेड है, लैंड पे एक साथ प्रेशर डाल रहे हैं। आप जानते हो चाइना ने कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, जैसे रोडवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, स्काई स्क्रैपर्स, सब कुछ एक ही विसिनिटी एरिया में प्रेजेंट है, जो लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो दो रीजन्स है मेनली सिंकिंग के, आप समझ ही गए हो अभी तक। पहला रीजन क्या है? ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन। बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आप करते हो तो फिर सिंक करती है ऊपर से जमीन नीचे। और दूसरा कि आप सिंकिंग ग्रोइंग वेट इन द सिटी, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा वजन आप डाल रहे हो, जिसके वजह से लैंड स्ट्रेस में आके सबसाइड कर रही है। ओके, सो दो ही मेन कारण है। और पूरे वर्ल्ड ओवर में जो मेन रीजन है सिंकिंग के, वो यही दो मेन रीजन है। एक तो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन, और दूसरा बिल्डिंग टू मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टू लेस नंबर ऑफ स्पेस। ओके, सो लेस स्पेस में टू मच इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डालते हो तो लैंड सबसाइड करती है। ओके, सो 82 सिटीज को स्टडी किया गया चाइना में, और सारे सिटीज में लगभग सेम हाल पाया गया। तो गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर गवर्नमेंट को ये बचना है सबसाइडिंग से, तो सबसे पहले तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को डाइवर्स करना पड़ेगा। एक ही जगह पे एक ही शहर को अगर आप डेवलप करते चले गए तो उस एक शहर में खतरा बढ़ जाएगा। सो आपको डाइवर्स करना पड़ेगा, हर चीज को हर जगह कंस्ट्रक्ट करो, जहां नहीं हो सकता वहां टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन आगे ना हो ये देखना पड़ेगा। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए रेनफॉल, आर्टिफिशियल रेनफॉल, देन लेक्स, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा। और ग्राउंड वाटर को यूज करना कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा, तभी ये सबसाइडिंग या सिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगा। सो अपकमिंग प्रॉब्लम यही सुनने वाले हो आप ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज महसूस कर पा रहे हैं लोग। 2023 पूरे वर्ल्ड में जब से हिस्ट्री रिकॉर्ड होने लगी है तब से हॉटेस्ट ईयर था, और 2024 भी आपको वही दिखाने वाला है, जहां बारिश नहीं होती थी वहां होगी, जहां होती थी वहां कम हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज बहुत साफ दिख रहा है। नेक्स्ट जो आप देखने वाले हो, दिस इज सिंकिंग ऑफ द सिटीज। सो आई होप आप इसको अपने करंट अफेयर्स में इनकॉर्पोरेट करोगे, अपनी आंसर राइटिंग में भी इससे मदद लोगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।